तब ये भाई साहब ठीक हाल चाल हमारा तो नहीं ठीक है भैया रे दुनिया इतना तेज़ बदल जाएगा हम तो नहीं सोचे थे हम तो यही सोच रहे थे अभी दुनिया बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतना तेज बदलाव हो जाएगा यही उम्र में देख लीजिए अब बता रहे हैं आपको हम पहले सुनते थे कि पहले शादी विवाह होता था तो रिश्तेदार दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले एक महीना पहले आ गए आ सन्जो से देखिए ना हमारी यहाँ जो है हमारे बड़े प्रिय मित्र का जो है उनके छोटे भाई का शादी था पूरा तैयारी के साथ गए थे मस्त मैरिज हाल बुक था बढ़िया वाला और पूरा व्यवस्था व्यवस्था था गए शादी में मस्त दो बार नाश्ता दामे कटहर का तरकारी मिला था पेट थोड़ा गड़बड़ कर दिया लेकिन सब्जी बढ़िया दबा उसके बाद दौड़ पूजा और पूजा तामझाम हो गया बारह ओर बज गए तो देख रहे हैं सब लोग धीरे धीरे गोल झार के जा रहे हैं तो हम कहे कि हम भी थोड़ा आते हैं आधा घंटा में थोड़ा शहर देख के तो गए उधर नौका बिहार वो कबिहार घूम कर चले आए उधर से आ रहे हैं जब फिर मेरे हार में घुस रहे हैं कर एक का दिक्कत है सब व्यवस्था है ये है आराम से ही सुतेंगे तब तक जो है हमारे मित्र आए मन दूल्हा के बड़का भाई भौसू तो रहे कर भाई अभी गए नहीं तुम हम बोले यार ऐसे कहें बोल रहे हो यार बारात आए हैं रात भर बर रुकेंगे टेंट वेंट का सट्टा हुआ है खटिया उटिया हुआ है मस्त सुतेंगे दिक्कत कौन बात का है कहता अरे गुर्बक हो क्या कौन रुकता है आजकल भी आए हम तो जान लो हम खुदे इसलिए रुके हैं कि हमको गुरातना है बहुत सुरा नहीं तो हम खुदे चले जाते भैया बता तो रहे हैं कल इतना भारी बेजती हुआ ऐसा लग रहा था ना कि वो पूरा महफिल में वो हम ही बेरोजगार हैं ऐसे लोग देख रहे थे छोटका छोटका लाइकवा जन सोबलिया बने थे ऐ पापा ये कौन आदमी है रुक गया है बताइए खाली घर के लोग रुके हैं ये कौन आदमी है सब बरतिए तो चले गए भैया हम बता रहे हैं शर्म के मारे एकदम पानी पानी हो गए हम तो सोचे तो 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 चलेंगे आराम से रुकेंगे रास्ता रात है ओश वोश गिर रहा है दिखाई कम दे रहा है गाड़ी मैं कभी एक्सीडेंट हो जाएगा लेकिन न चाहते हुए भैया वहाँ से जो है आना पड़ा कहाँ वहाँ अब रतिया हम बारह बजे कहाँ जाएंगे गए स्टेशन स्टेशन जाकर बाबू जौन बाटे खाली पंखा का तिल्ली गिना हूँ दो चार पाँच छो एक नंबर से लेके कर आठ प्लेटफार्म तक अब बड़ा दुख ही हुआ है आ, हमको लगा खाली दुख हम ही को नहीं है बहुत सारे लोग को होता होगा आजकल तो मन ब्याह में ऐसा सिस्टम हो गया है और चारपाई फार पाई, तकिया गद्दा का तो कहानी है ख़त्म हो गया है अभी जान लीजिए कल हमको ये एहसास हुआ कि शादी में अगर आप जा रहे हैं बारात में जा रहे हैं अगर गलती से अगर आप रुक जा रहे हैं तो उस पूरे महफिल के सबसे बड़े बेरोज़गार आप ही हैं और आधे लोग तो यहीं महारे वापस चल रहे हैं काम कुछ नहीं है फिर भी जो है ऐसा चल रहे बड़ा जल्दी है भले बात यही बाटे कि बाबू मन है रुकने का लेकिन रुक जाएंगे तो बेरोज़गार हो जाएंगे ये वो नया समस्या है पहले ये था कि रिश्तेदार यार सब कोई एक महीना पहले आता था अब भैया एक घंटा भी एक्स्ट्रा रुक गए खाना खैले के बाद तो ये समझ जाएंगे लोग कि बाबू बेरोजगार है काम धाम नहीं हो कल भैया बड़ा बेजती हुआ मन ही मन में हम कहें भगवान कहाँ इतना भयंकर बदलाव कर दिए मनो मन था रुकने का रात भर बैठ के काटे हैं लेकिन न चाहते हुए जो है मेरे हाल छोड़ना पड़ा भाई हम कहे वो इतना दौर हो गया भैया तो यह तो बदलाव हो गया बाबू मन एगो सिस्टम हो गया एक कल्चर हो गया है कहीं बारात उरात में जाइए रुकने का मन होगा मन ये समझ जाइए कि टेंट वाला खुद है बारह रात से जन झालर झामर झूमर तकिया गद्दा झूठे खोलने लग रहा है वो घर वाले रिश्तेदार सोच रहे हैं बाबू अब इज्जत कम होगा धीरे से दाग लो अच्छा चलते हैं चलते हैं पढ़ा बहुत काम है बहुत व्यस्त है वहाँ जाना है वहाँ जाना समझ नहीं आ रहा है कल का हमारा फीलिंग यही है भैया अच्छा आप लोग अपना बात बताइए कभी शादी में गए हैं या जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कैसा महसूस होता है कमेंट करके बताइएगा ठीक है गांव वाले रिपोर्टर नए नए बात बताते रहते हैं तो कल का बात हमारे साथ ये हुआ भैया चलते हैं आई वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा चल रहे हैं सोना भी है भैया रात भर तो नहीं मच्छर से मरवा है नमस्कार